Good morning friends, welcome to Exam Hunter. So this is a class of BPSC mains answer writing practice. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर डे क्वेश्चन देते हैं और आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जो भी नए फर्स्ट टाइम व्यूअर होंगे नीचे टेलीग्राम के जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसको ज्वाइन करके उसके डिस्कशन ग्रुप में अपलोड करना होता है एंड योर कॉपी विल बी एवेलुएटेड. ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग GS2 के डे 17 कंटेम्प्रेरी इशू करेंगे. बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया था कि सर कोई ऐसा टॉपिक कराओ जिस पर हम नोट्स बना ले और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, कंटेम्प्रेरी टाइप का जो बिहार से रिलेटेड हो. ठीक है दोस्तों, तो हम कंटेम्प्रेरी के साथ साथ है ना बेसिक भी करेंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सिर्फ हम कंटेम्प्रेरी पर नहीं रह सकते दोस्तों. ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है ना, देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, जस्ट वेट. क्वेश्चन सी, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर डैट हु विल एवर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स विदाउट प्रूफ विल ट्रीटेड अंडर क्रिमिनल ऑफेंस एक्ट, क्रिटिकली डिस्कस. देखो अब दोस्तों क्या है मतलब, अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. पहले इंग्लिश में देखो कि अभी बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है. बिहार गवर्नमेंट ने जो बिहार के जो DGP है ना, उन्होंने एक मीडिया में आके बोला है या ऑर्डर पास किया है कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ या उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी बकेंगे, ठीक है ना, तो विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो क्या होगा ना दोस्तों कि आपका क्रिमिनल ऑफेंस एक्ट के तहत आपको पकड़ लिया जाएगा. ना आपको उसमें जो गवर्नमेंट के बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा. जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे उन्होंने क्या बोला है कि ना आपको गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, ना आपको लोन दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ना राशन वगैरह दिया जाएगा. तो ये सब है ना उस वो अब गवर्नमेंट किया है. तो इसका बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन है, तो क्रिटिसिज्म हो रहा है. तो क्वेश्चन यही है, इसमें बोला है क्रिटिकली डिस्कस, मतलब इसमें पॉजिटिव जो स्टेप लिया है वो क्यों सोच के लिया है, इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा वो भी बताया है. ठीक है ना, अब इसमें कंक्लूजन नहीं डालना दोस्तों, इसमें आप सजेशन भी डालना कि क्या करना चाहिए एक्चुअली. ठीक है, ओके दोस्तों, अब आते हैं हिंदी मीडियम वाले भाई की तरफ. देखो क्या बोल रहा है दोस्तों कि हाल में ही बिहार सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जो कभी भी सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सबूत बिना सबूत के कुछ पोस्ट करेगा तो उस पर आपराधिक अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. ठीक है ना दोस्तों, आलोचनात्मक चर्चा करें, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको. इसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों लिखना है. अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एज यूजुअल कितना दोस्तों, 22.5 मिनट. ठीक है ना, 3 से 4 पेज कोशिश कीजिएगा, 3.5 से 4 पेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इंट्रो डालोगे. इंट्रो में आप बताना है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी है, क्यों सरकार ने ऐसे लिया है. उसके बाद जो एक्ट लिए हैं उसके बारे में आप पॉजिटिव साइड डालना, ठीक है ना, उसके बारे में इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो डालना. ठीक है, थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च कर लेना न्यूज़ पर भी, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है तो आपको आराम से मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर वे फॉरवर्ड डालना है, सजेशन डालना है कि इसको और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं जिससे एक बैलेंस हो. ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपके साथ अगले क्वेश्चन में अगले दिन के साथ. ठीक है ना, ऑलरेडी इंडिया US पर मॉडल आंसर डाला जा चुका है, वो आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं. आपका दिन शुभ हो.